हाँ जी, दो मिनट से जा सकते हैं। वो किस का 306 के बेस में, वो किस का 306 को यूज़ करना थी। मैं से लगभग 22 तारीख 6 महीने की, उस दिन मेरे साथ इन्होंने मारपीट की थी, 3 तलाक दिया था। और इसने बोला था कि तू, तेरे को मैंने छोड़ दिया है, तू अब मेरे भाई के साथ रहे। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं नहीं रह सकती। तो हमारे यहाँ एक ड्राइवर रहता था, दीपक नाम का लड़का, तो उसने मेरी हालत देखी। तो वो देखने के बाद बोला, नीलम ये तेरे को ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ पहले भी हादसा कर चुके हैं, तो यहाँ से निकल जा। मैं बोली भैया मैं ऐसे नहीं निकल सकती थी, अकेले निकलने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो बोले ना मैं तेरा साथ दूंगा मैं, तो उसने मेरा साथ दिया था। तो जब मैं वहाँ से निकली, प्रदीप के साथ क्या हुआ? प्रदीप को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, इन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया झूठा कि ये मेरी पत्नी को लेके गया है। तो उसने अपनी वाइफ, दीपक ने अपनी वाइफ के पास फोन किया, अब मेरे पर अकबर ने झूठा इल्जाम लगा दिया है और मैं इस इल्जाम को झेल नहीं सकता, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मैंने तो सिर्फ नीलम की हेल्प की थी, एक बहन होने के नाते भी, हमारी हिंदू जाति से है और ये मुसलमान है, इसको ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब जो उसके बाद जो है, जब वो प्रदीप ने आपकी निकाला, उसके बाद आप नहीं गए हो वापिस? नहीं, मैं उस घर में नहीं गई हूँ। मैंने ये बताओ, आप हिंदू हो कि मुसलमान? बता, हिंदू जो धर्म परिवर्तन आपका करवाया गया था, करवाना चाहते थे, मैंने किया, करवाना चाहते थे पर आप? हाँ, उन्होंने बहुत प्रयत्न करे, बहुत जतन करे, मेरे को धर्म परिवर्तन के दौलत तो जहर भी पिलाया गया है, नहीं करती थी इसको जान से मार दो, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे को बचाया। और जहर पिलाया ना, तो उसकी रिपोर्ट आज तक तीनों गेट है ना, जो भवानी का अंचल हॉस्पिटल है वहाँ पे पड़ी है। कितने साल रही हुआ टोटल, अगर साल की बात करी जाऊँ, कितने साल रही? 14 साल रही हूँ अब तक के, लगा लिया तो वैसे 13.5 साल ही लगा लो, क्योंकि अब 14 साल हुए। अच्छा, जो लड़कियाँ ये प्यार मोहब्बत इश्क से चक्कर में पड़ती है, मतलब जैसा आपने बताया 15-20 दिन के अंदर अंदर आपने देख लिया, बात भी कर ली, शादी करके अलग अलग घर में पहुँच गए, तो ऐसी लड़कियाँ जो आज की जनरेशन है हमारी, जो बहुत जल्दी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाए, हम उन्हें संदेश के देना चाहोगे? आपके साथ जो बीतती है उस तब वे शिक्षा ले सकते हैं? चाहूँगी भाई जल्दबाजी में और कोई कदम ना उठाओ, और असल में तो लव मैरिज तो करे ही नहीं कभी भी, दूसरे पे भरोसा तो करना ही चाहिए, माँ बाप शादी करें, अच्छी है बुरी है एडजस्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, जो आज जो आपने मीडिया बुलाई है, ये वीडियो बनाई है, आपकी मर्जी से बुलाई है, बाद में आप नौ बच्चों नहीं आगे आप वीडियो काटने की कोई ना, मैंने इसमें कोई दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रही है। जो आपने बोला है ये कल ने, अगर ये बात झूठ मिला या कुछ भी है, उसके जिम्मेवार आप हो, मीडिया ना हो। तो भाई नीलम जी की स्टोरी आपने सुनी, मतलब एक ऐसी महिला जो नुको है 14 साल जी, 14 साल जिनकी ये नहीं पता था, शुरू में प्यार के चक्कर में पड़ के पहुंच गए, 15-20 दिन के अंदर अंदर शादी कर ली, और उसके बाद में पता चला काफी महीने बाद, जब तक नुको है भी बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन आज भी आपने न्यू लगा है कि आज आप हिंदू हो? आज भी मैं हिंदू लगता नहीं, मैं हूँ हिंदू हो। तो इन्हें यूँ लगा है कि ये आज भी हिंदू हैं, बाकी मैं आपका छोड़ दूँ, आपका क्या कहना है? ये ऐसी या सीख जो है उन लड़कियां और उन लड़का के लिए है कि जो बहुत जल्दी जो है किसी भी ऐसे पर्सन पर विश्वास कर ले हुए हैं बिना कुछ उसके, और कई बार ये कहते हैं नहीं आज की जनरेशन है जो वन को है भी, माँ बाप जो रिश्ते तय करे है ना वे अच्छे नहीं होंगे, वो भी बाद में जाके उनमें भी यही दिक्कतें आवे हैं, यही चीजें हुए हैं। तो ये पूरी स्टोरी जो है मेरी आप तक दिखाने का मकसद यह है कि जो परिवार है हमारा, हमारा जो माँ बाप है, वो बहुत सोच समझ के हमारे लिए रिश्ते देखे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल हो, और कई बार हम मतलब कुछ जज्बाता में बह के ऐसे गलत फैसले ले लिया, हाँ जिनते मतलब पूरी उम्र हमने रोना पड़ा है, और बाद में देखो आप नीलम जैसी कहानियां बन जाए हैं।
और कया करे ना भी जब तक खुद ने ना लागे ना तब तक न्यू समझ में को नहीं आओ की के बनाया है। तो नीलम ने भी जब लगी है तो तब इन्हें समझ में आया है। एक दिन वो था जब नीलम अपने परिवार तो ऊपर होके उस लड़के के साथ विजय और उस ये नाम बताया जी आपने अकबर के साथ गई थी और आज ये सीख देने लग रही हैं और लड़कियां ने कि आप ऐसा गलत कदम ना उठाइयो। तो वीडियो पूरी आपने देखी है, पूरी कहानी सुनी है, पूरी सच्चाई कितनी है यह भी मैं आपको ऊपर छोड़ दूँ और कहना क्या है आपने वह भी मैं आपको ऊपर छोड़ दूँ। कॉमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दी।